मार्क्स, कितनी बार हुआ है कि आप डेट पर हो लेकिन डेट से ज्यादा आपको बाजू वाली टेबल पर बैठे बच्चे की आइस टी की जिद ज्यादा सुनाई दे रही हो, या फिर आप अपने पार्टनर को बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते हैं या फिर सरप्राइज देकर प्रपोज करना चाहते हैं, मगर सेम ओल्ड कैफेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा के अलावा आपको कोई न्यू ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में किया क्या जाए? जब मैं इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने सोचना शुरू करा, तब मुझे पता चला कि हमारे देश में 2025 तक 2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाएंगी। दुनिया भर में काफी सारे शेल्स ओशन में डंप किए जाते हैं ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लैंड। इन्हीं गाड़ियों के शेल्फ को यूज करके हम लाए हैं आपके लिए लग्जूरियस और प्राइवेट स्पेस से क्राफ्टेड मेपल पॉड्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम आयुष है और मैं 27 साल का दिल्ली से आया हूँ। मैं हूँ मेपल पॉड्स का फाउंडर। मेपल पॉड्स एक टेक हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट की कंपनी है। हम पुराने ओल्ड गाड़ियों के ढांचे को यूज करके उसमें लग्जूरियस प्राइवेट डाइनिंग, प्राइवेट गेमिंग, सिनेमा, एडिशनल ऐसे अलग अलग फैसिलिटीज के पॉड स्पेस मैन्युफैक्चर और फ्रेंचाइज करते हैं। मेपल पॉड स्लीपिंग पॉड या नैप पॉड की तरह सिर्फ सोने के लिए नहीं बना। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग के लिए आ सकते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा सकते हैं। चाहे आपकी फर्स्ट डेट हो या फिर आपका कोई दोस्त के साथ प्लान या फिर आप अकेले अपने साथ मी टाइम बिताना चाहते हैं, मेपल पॉड्स आप सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करता है। आज हमारे भारत के 4 शहरों में पॉड्स ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे 8 फ्रेंचाइजी ऑर्डर्स भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। हमारे पॉड्स की बुकिंग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपनी पसंद का पैकेज, डेट, टाइम चूज करके आप बुक कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारा मोबाइल ऐप भी iOS और एंड्रॉयड के लिए लॉन्च करने वाले हैं। हमारा विजन ये है कि स्क्रैप यार्ड में मिलने वाले प्लेन, क्रेन, ट्रेन, शिप्स सबके शेल्फ को हम इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप की हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट की सर्विसेज आप सबको प्रोवाइड कर सकें। शार्क्स, हमारा आस्क है 1.5 CR फॉर 5%। चाहे यार हो या प्यार, मेपल पॉड्स है ना मेरे यार। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये टाटा सूमो है और ये हमने स्क्रैप से लेके इसको डिजाइन, मैन्युफैक्चर और मॉडिफाई किया है, तो मैं आप लोगों को इसका एक टूर दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग आना चाहें। क्या बनाया है, ओह माय गॉड आयुष, ये फुटरेस्ट ऊपर जाता है? नो। और ये टेबल ऐसे नीचे ऊपर होता है क्या? या ऊपर नीचे चला चला ऊपर कैसे? यहाँ से मैं करूँ? विनीता, वो स्पीड थोड़ा उसका स्लो है। अपने आप हाँ, वो अपने आप होगा। हो रहा है। अच्छा, ये सब बटन्स किसके लिए है? आप ऊपर के बटन, या यू कैन चेंज द लाइट्स, ऊपर की लाइट्स यू कैन कंट्रोल फ्रॉम दैट। लाइटिंग भी है इसमें। ओह नाइस। और ये सनरूफ किसके लिए दिया था? When it's in the day, तो it reflect the light, so it glows completely like a garden. लोग अंदर देख सकते? नहीं। Thank you so much. Thank you. क्या बात? Wow, it's nice. ये बंद कर देंगे? Can we shoot rest of the season from here? Yeah. I like the idea. Nice. Oh, this is nice. It's even nicer when you close the door. Yummy. Yeah. It doesn't feel claustrophobic, surprisingly. Oh, flavored, look at the lights, guys. Green. अच्छा, mood lighting का है. It's actually quite good. इतने भी cool नहीं है. Lights के कारण लग रहा है. But if you look at finishing, ये सब तो basic. इसकी बाहर से जो आपने effort डाला है aesthetics के लिए, अंदर जो comfort है, जो lighting है, जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस, तो इट सीम्स क्वाइट लग्जूरियस। क्या जहन में आया कि आपने कहा कि यार गाड़ियों का लव मोबाइल बना देते? एक्चुअली जो आइडिया था वो ये नहीं था। जब मैंने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया था करीब 5-6 साल पहले, तब मैं UK में स्टूडेंट था डिजाइन का, तो अक्सर मैं ट्रैवल करता रहता था और बीइंग अ स्टूडेंट में सबसे सस्ती फ्लाइट्स लेता था। सबसे सस्ती फ्लाइट्स में यही होता था 6 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे, कई बार मैंने 24 घंटे तक वेट करा एयरपोर्ट पे। तो उस टाइम पर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि स्लीप पॉड, नैप पॉड हमेशा से अवेलेबल रहे हैं, बट मुझे ये लगा हर कोई सोना नहीं चाहता। आपको सोने के बजाय सिनेमा के लिए, गेमिंग के लिए कोई अच्छा
स्पेस प्रोवाइड किया जाए देन पीपल विल बी एक्साइटेड फॉर दैट। उस चीज से ये आइडिया की शुरुआत हुई, बट मेरे को लगा कि एयरपोर्ट पे लगाना काफ़ी चैलेंजिंग है। मैंने कोशिश किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, हीथरो एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे लोगों से बात करके, बट लाइसेंस रेगुलेशंस वगैरह के चक्कर में ना पड़ूं। इसलिए मैंने वापस इंडिया आके एक जुगाड़ से एक लोकल वर्कशॉप पे बात करके अपनी पहली गाड़ी बनाई और कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज में लोगों को दिखाना शुरू किया। रिस्पॉन्स अच्छा आया, बट उस वक्त तक मैंने फिगर आउट नहीं किया कि 5-6 लाख की गाड़ी तो बना ली, बट इससे पैसा कैसे कमाएंगे। करते ही करते फिर आइडिया आया कि एक किसी कैफे या हॉस्पिटैलिटी की प्लेस के साथ पार्टनरशिप करते, उनके स्पेस पे ये पॉड लगाते, वही लोग इसकी सर्विस देखेंगे, वही लोग फूड प्रोवाइड करेंगे, हम इसको मार्केट करेंगे, हम इस पे बुकिंग्स लेके आएंगे डेली। और आज ऐसे ही करीब 4 पॉड्स हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, और ये जो पॉड आप अभी देख रहे हैं ये पुणे के लिए है। आप कितने साल से ये कर रहे हैं? ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 2021 में। ये अलग अलग दूसरों की प्रॉपर्टी पे लगाए हैं आप? करेक्ट। इसकी बुकिंग्स ऑनलाइन होती हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, और आप ऑफलाइन इसकी बुकिंग फिलहाल नहीं कर सकते। हमारा एप्लीकेशन भी बन रहा है, तो एप्लीकेशन लाइव होने के बाद आप लोकेशन पे आके बुक करके कर सकते हैं। पर आयुष, अगर 5-6 लाख लगते हैं इसको करने में, उतने में तो एक नई गाड़ी आ जाती है, तो आपका जो लॉजिक है कि मैं गाड़ी, ये गाड़ियां हम फ्रेंचाइज करते हैं, हम अपने पैसे से इनको नहीं बनाते, हम सिर्फ पहली जिसके भी पैसे हों, मैं बस बोल रही हूँ, अगर आपको गाड़ी का स्क्रैप को यूज करना है तो वो पर्पस तो सर्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर जब आप 5-6 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एक नई गाड़ी जितना है। ये गाड़ियाँ लेकिन अपना ROI रिकवर कर लेती है विदिन कितने साल में? 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ्स? 2-3 मंथ्स। कैसे? बहुत ही अच्छा आपने फिगर किया। इस गाड़ी का पैकेज स्टार्ट फ्रॉम 5,000 रुपीज। भाई ये काम करना, एक लोकेशन पिक कर लो जो तुम्हारी बेस्ट लोकेशन है, और फिर उसका एग्जाम्पल के हिसाब से रेस्टोरेंट से आपकी क्या अरेंजमेंट है, लोग किस लिए यूज करते हैं, और बंटवारा कैसे होता है रेवेन्यू का, ये समझा दो ना। मुंबई में हमारा पॉड पेनिनसुला होटल अंधेरी ईस्ट पे। अच्छा, पेनिनसुला होटल में? यस। ओके, सो ये जो पॉड है वहाँ पे होटल ने हमें एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे जितना भी कारपेंटिंग, बैनर, ब्रांडिंग है वो सब हमने यहाँ पे अपना करके दिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी हमारा सबसे ज्यादा प्रमोशन है। हमारी तरफ से रेगुलरली इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, मीडिया के लोग यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, और कैफेज को, पेनिनसुला होटल को हमारी तरफ से डेली की गेस्ट लिस्ट जाती है। डेली हम यहाँ पे 12 से 3 बजे तक ऑपरेट करते हैं, तो हम एक दिन में 8 से 10 बुकिंग ले सकते हैं। बट होती कितनी है टिपिकली? ऑन एन एवरेज दिन में हमारी 6 बुकिंग्स चलती है, और ये जो बुकिंग्स होती हैं वो बुक हमारी पेमेंट वगैरह सब कुछ वेबसाइट के थ्रू होती है। तो पेमेंट पहले होती है? पेमेंट, फुल पेमेंट। और आप देंगे 5,001 कितने घंटे का? 5,000 इज फॉर 2.5 घंटा। तो बुकिंग करने के लिए यूजर हमारी वेबसाइट maplepods.com पर जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी सिटी चूज करते हैं, सिटी चूज करके हमारे काफी सारे क्यूरेटेड पैकेज होते हैं, जैसे कि बर्थडे पैकेज, मूवी पैकेज, एनिवर्सरी पैकेज, फैमिली पैकेज, गिफ्ट पैकेज, वो अपनी पसंद से कोई भी पैकेज चूज करते हैं, जो भी स्पेशल इवेंट हो। हाँ, हर पैकेज में फूड कूपन और पॉड के फीचर्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। पैकेज के अलावा भी हमारे कस्टमर हमें एडिशनल पे करते हैं फॉर डेकोरेशन, फोटोशूट, केक, फ्लावर्स एंड अदर एडऑन्स। ज्यादातर यूज्ड केस आर बर्थडे, एनिवर्सरी, स्पेशल ओकेजन। मुंबई में अगर हम देखें तो हमारा बेस्ट सेलर बर्थडे पैकेज है, एंड देन जस्ट ऑफ जो हमारा प्रीमियम डेट पैकेज है। 5,000 रुपए में 6 बुकिंग कर दी। हाँ, तो आपके दिन के 30,000 रुपए हो गए, 9 लाख रुपए महीना आ गया। आपने इसमें पेनिनसुला होटल वाले को कितना दिया? अराउंड 30%। 3 लाख रुपए उसको दिए। हाँ, और 6 लाख रुपए आपके हुए? नहीं, जो 6 लाख है उसमें से फ्रेंचाइजी पार्टनर को भी उनका परसेंटेज जाता है। जिसने 5 लाख डाले हैं उन्होंने 12 लाख डाले। उन्होंने 12 लाख डाले, आपने बोला 5-6 लाख। उस पे आते हैं, तो ये फ्रेंचाइजी ऑपरेशन ही है, आपका ऑपरेशन है, उसको शेयर जाता है, फ्रेंचाइजी को जाता है और आपके पास जाता है। हाँ, फ्रेंचाइजी को कितना जाता है? वो हर डील पे अलग होता है। अब अगर कोई एक पॉड, मैं पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ, पेनिनसुला पे जाता है अराउंड 55% ऑफ मंथली प्रॉफिट। तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख उसको गए, 3 लाख आपको बचे। हाँ, 3 लाख वहाँ गए, तो एक तिहाई हो गया एक तरह से, बराबर है? और GST? GST जो हमारे पैकेज बुक होता है उसका भी अलग होता है, और जो फूड बिल होता है उसका पेनिनसुला अलग करता है। तो 9 लाख के ऊपर है वो? हाँ। 12 लाख फ्रेंचाइजी देता है, 5-6 लाख आप देते हो ये बनाने में, तो 12 लाख कहाँ जाता है? 12 लाख जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो हमको सिर्फ गाड़ी बनाने की कॉस्ट नहीं दे रहा है, वो गाड़ी बनने के बाद लोकेशन पे लगाना, उसको ऑपरेट करना, मार्केट करना, बुकिंग लाना,
और बैकएंड पूरा संभालना, ये सब कुछ हम हैंडल करते हैं। तो एक तरीके से हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करता है। Is it fair to say कि आपका जो मेजॉरिटी कस्टमर बेस है वो कपल्स है? अराउंड 70% इज कपल। दैट्स व्हाट आई थॉट। और ये बार बार आते हैं लोग? हाँ, हमारे पास मुंबई में अराउंड एक कस्टमर 4 बार तक बुकिंग कर रहा है। हर महीने मुंबई में कितनी बुकिंग करते हो? 150 तक हम करते हैं। 3-4 महीने से 150 कर रहे हैं, तो दिन का 5 हो गया आपका एवरेज, नॉट 6, वो भी अच्छा है। तो यार सब खर्चे काट के फ्रेंचाइजी को पे करके आपके पास 10 लाख रुपए बच जाते हैं महीने के? बच जाते हैं, बट वही अब हम एप्लीकेशन वगैरह में और पॉट्स बनाने में स्पेंड कर रहे हैं। बताओगे थोड़ा रेवेन्यू वगैरह? रेवेन्यू फाइनेंशियल्स बता दीजिए। पिछले साल हमने 60 लाख का रेवेन्यू नॉट बैड किया था, और फ्रेंचाइजी से हमारे पास अराउंड 50 लाख का रेवेन्यू आया है। 50, तो टोटल आपने 1.1 करोड़ किया पिछले साल। यस। ये साल क्या चल रहा है आपका रेट? मंथली अराउंड 4-5 लाख सेल्स का कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये तो नंबर आंकड़े आपके जुड़ ही नहीं रहे, आपने कहा 5 पॉड है। वो इसीलिए अनुपम क्योंकि ये 5 पॉड एक साथ ऑपरेट, कभी अभी नोएडा का पॉड हमारा इसी मंथ ऑपरेशनल हुआ है तो उसका सेल्स अभी नहीं जुड़ रहा है। गुड़गांव के पॉड का हमारे मेंटेनेंस के वजह से हमें 1-1.5 महीने के लिए बंद करना पड़ा, तो अभी तक हमें ऐसा मोमेंट नहीं मिला है कि हमारे 5 के 5 या सारे पॉड एक साथ ऑपरेशनल कर रहे हैं। ये साल कितना फ्रेंचाइजी फी आ गया? इस साल अभी करीब 25 लाख तक हमारे पास फ्रेंचाइजी का आ गया। और इस साल भी 50 लाख कर लोगे फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का इस साल हम 50 से ज्यादा कर लेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट कितना? अराउंड 30%। एज अ कस्टमर नॉवेल्टी फैक्टर के लिए मैं एक बार यूज करूंगा, आई वुडंट लाइक टू डू इट अ सेकंड टाइम। प्लस एज लॉजिस्टिकली और ऑपरेशनल यू नो ये इतना बल्कि इसे बनाना, इसे यहाँ वहाँ लेके जाना, परमिशन लाना, थोड़ा गिमिकी जैसे भी हो जाता है। आई डोंट नो कितने पार्टनर्स आपको मिलेंगे इसके लिए। आई सी स्केल एज अ मेजर चैलेंज, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट वेरी कूल कॉन्सेप्ट, वेरी फन पिच, ऑल द बेस्ट टू यू। मैं भी नमिता से अग्री करती हूँ, आई थिंक ये थोड़ा गिमिकी है एंड स्केलेबल नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स आपने काफ़ी एफर्ट डाला है इन क्रिएटिंग अ बिजनेस जो बहुत हटके है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन थिंकिंग सो डिफरेंटली। ये मुझे आपके नंबर्स भी सही नहीं लग रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि 4 times रिपीट होता है मुंबई में एक कंज्यूमर का इन अ मंथ, आपका 5 time बुकिंग्स पर डे भी सही नहीं लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि ऑन एवरेज अगर GST मिला के 5,000+ पर कपल चार्ज हो रहा है, तो पर पर्सन 2,500 रुपये देने वाले लोगों का मार्केट इंडिया में बहुत कम है। तो थोड़ा उसके बारे में सोचिए, बिकॉज आपके पार्टनर्स बहुत पैसे गंवा सकते हैं इसमें। दूसरा सजेशन है कि जितनी आपने अटेंशन टू डिटेल अंदर की है उतनी अपने कंटेंट में भी रखनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस की स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो है यहाँ पे, आई थिंक इसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। मुझे ये स्केलेबल नहीं लग रहा है। आई एम आउट। आयुष, जैसे सबने बोला थोड़ा नॉवेल्टी गेम किया, बट क्वालिटी थोड़ी बेटर करो। और सेकेंडली अपने थोड़ा बिजनेस में अपने नंबर्स पे थोड़ा होल्ड होना चाहिए, ग्रास्प होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ अभी। नॉवेल्टी का वैल्यू जरूर होता है। आपने फूड या F&B इंडस्ट्री में कुछ नॉवेल्टी ट्राई करी है, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन। आज के दिन में मुझे क्लियरली समझ नहीं आया क्या ये नॉवेल्टी का बिजनेस है कि क्या ये F&B का एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस का बिजनेस है। उस कारण से मैं आज आउट हूँ, पर मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को और बेहतर करें और इस बिजनेस को आगे बढ़ा के लेकर। यार तुम करना क्या चाहते हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, इंडिया में प्राइवेसी फॉर कपल्स की बड़ी प्रॉब्लम है, जॉइंट फैमिलीज रहती है, राइट? आपको पता है। तो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन इसमें बिजनेस कैसे बनाओगे? इसमें क्या है, आपने जंकयार्ड से गाड़ी खरीद ली, 4-5 लाख रुपए खर्चे कर दिए, इसमें मोट कैसे बनाओगे? एक्सपेंशन, हम अलग अलग शहरों पे लगाए इसलिए रहे हैं ताकि हम एक नेटवर्क बना सकें। अभी हमारे पास करीब 600 लोगों की फ्रेंचाइजी के लिए लीड्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फ्रेंचाइजिंग जो बिजनेस है ना, वो आगे बिजनेस होना हो अपने आप एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस बन गया है। Correct. आप कुछ भी फ्रेंचाइजी खोल लो लाइन लग जाती है, राइट? तो वो बिजनेस थोड़ी हुआ, बाद में तो लाइन लगा के आपको आपका पीछा करेंगे फ्रेंचाइज। हमारा जो मुंबई का पॉड जो फ्रेंचाइजी पार्टनर का है, अभी ये मुंबई वाला पॉड हमारा इसी साल में फरवरी में ऑपरेट करना शुरू किया था, एंड ही हैव रिकवर्ड अराउंड 40-55% ऑफ हिज मनी। नहीं यार, आपके नंबर्स तो सही है ही नहीं। आपने शुरू में कहा कि 3-4 महीने में सारी रिकवरी हो जाती है। हाँ, अभी आप कह रहे हो कि उसने खाली 50% की रिकवरी हो जाती है। देखिए ये बिजनेस नहीं है,
बिजनेस बन नहीं सकता है क्योंकि आपके पास कोई सस्टेनेबल एडवांटेज ही नहीं है। आपने जो अंदर लगाया है ठीक है, फील अच्छी है लेकिन रूडिमेंट्री है यार। ऐसी क्या बात है, कोई और नहीं कर सकता। आपको इसको रीथिंक करने की जरूरत है। आई एम आउट। सॉरी फॉर द हार्श फीडबैक, लेकिन ये जरूरी होता है कभी कभी डायरेक्ट इनपुट देना। ओके, थैंक यू सर। गुड लक। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक्स आयुष।